तो बच्चों, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से होता है और भाषा शब्दों से मिलकर बनती है और शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो चलिए, आज हिंदी व्याकरण कक्षा 5 में हम पढ़ेंगे शब्द संरचना। क्या होते हैं शब्द? वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। शब्द यानी क्या? वर्णों का ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई हम अर्थ निकाल सके या अर्थ निकल रहा है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, मछली। अभी ये जो समूह है ये वर्णों का समूह है, जैसे म अ, वर्ण विच्छेद में हमने पढ़ा था, उसी तरह से छ, ल और दूसरी ई। तो ये सारे वर्ण मिला के एक शब्द बना, मछली। तो आप मछली से समझते हैं कि मछली एक जलचर प्राणी है, ठीक है। तो जब ये वर्ण इकट्ठा हुए, एक समूह इनका बना, तो उससे एक शब्द बना और इसका एक निश्चित अर्थ भी निकल रहा है। जो वर्ण समूह एक साथ जोड़कर जब हमने मछली या शब्द लिखा, तो ये एक जलीय जीव है, ठीक है। तो ये एक वर्ण का समूह है, उसे निश्चित अर्थ निकल रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो ये शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों के द्वारा किया जाता है। 4 आधार पर इन शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है, वो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, मतलब शब्द कहाँ से आए हैं। उसके बाद रचना या बनावट के आधार पर, मतलब शब्द कैसे बने हैं। अर्थ के आधार पर, मतलब शब्द किस तरह के हैं। और प्रयोग के आधार पर, मतलब परिवर्तित और अपरिवर्तित रहने वाले शब्द, मतलब उनका प्रयोग कैसे और कहाँ हो रहा है, ठीक है। पहला उत्पत्ति, मतलब उनका जन्म कहाँ से हुआ या फिर शब्द आए कहाँ से है। रचना या बनावट, मतलब शब्द बने कैसे हैं। अर्थ, मतलब शब्द किस तरह के हैं। और प्रयोग, मतलब परिवर्तित और अपरिवर्तित रहने वाले शब्द। चलो इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द, मतलब जिनका शब्द कहाँ से आए हैं। इस प्रकार पे, इस आधार पर शब्द के और 4 प्रकार पड़ते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर, मतलब शब्द कहाँ से आए हैं, इसके आधार पर शब्द के और 4 प्रकार आते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो तत्सम मतलब क्या? तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत भाषा के मूल शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब क्या? जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त, मतलब उपयोग हो रहे हैं, तो अगर वो अपने मूल, अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में यूज किए जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत शब्द है सूर्य, तो हिंदी भाषा में भी हम सूर्य इसी तरह से लिखते या पढ़ते हैं। मतलब क्या कि ये जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का मूल शब्द हिंदी भाषा में वैसे का वैसा प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं तत्सम शब्द। वैसे ही पृथ्वी, पृथ्वी भी एक संस्कृत शब्द है, पर हिंदी में भी हम उसी तरह से इसे यूज करते हैं। मतलब सीधे लैंग्वेज में अगर बताएं कि तत्सम शब्द मतलब क्या, तो संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में उसी तरह से वैसे के वैसे यूज होते हैं, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं तद्भव शब्द। संस्कृत शब्द जो मूल रूप से थोड़ा बहुत परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं।
तत्सम शब्द का पूरा उल्टा तद्भव शब्द होता है। जैसे तत्सम शब्द संस्कृत से हिंदी में डायरेक्ट आते हैं बिना बदल कर, वैसे तद्भव शब्द में संस्कृत संस्कृत वाले जो शब्द होते हैं वो हिंदी में आते आते उनके जो मूल रूप होता है, मतलब जो शब्द होता है, उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। परिवर्तन मतलब बदल होता है और फिर वो हिंदी भाषा में यूज किए जाते हैं, इसीलिए उन्हें बोलते हैं तद्भव शब्द। क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। जैसे गृह एक संस्कृत शब्द है तो हम हिंदी में यूज करते हैं घर। कार्य एक संस्कृत शब्द है और हिंदी में हम उसे यूज करते हैं काम। तो इस तरह के जो शब्द है जो संस्कृत से हिंदी में आते थोड़ा सा चेंज होकर आते हैं, बदल कर आते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। आगे देखेंगे तीसरा प्रकार, देशज शब्द। भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हुए शब्द। देखिए, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो वो जो बोली उन्हें क्या कहते हैं? बोली भाषा। क्या कहते हैं? बोली भाषा। तो इन बोली भाषा से जो शब्द हिंदी में आए हुए होते हैं उन्हें बोलते हैं देशज शब्द। जैसे गाड़ी, पगड़ी, अटकल, झंझट, घपला, झुग्गी, धूमधाम, थपथपाना, डिबिया, थैला, ये जो शब्द है ये हिंदी के शब्द नहीं है, या पर जो हमारे भारत में बोली जो बोलियां बोली जाती है तो उसमें से कई शब्द वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए उन्हें बोलते हैं देशज शब्द। आगे है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द मतलब विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए हुए शब्द। भारत में हजारों सालों से विदेशी आते रहे हैं जिसके कारण विदेशी भाषा के हजारों शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं। ये शब्द ही विदेशी शब्द या फिर आगत शब्द भी कहलाते हैं। विदेशी शब्द को हम आगत शब्द भी कहते हैं। तो इन विदेशी शब्दों में सिर्फ अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, चीनी, फ्रेंच आदि शब्द आते हैं। जैसे नाम, बाजार, जरूर, परेशान, बस स्टॉप, कार्टून, पुलिस, मेहनत, ट्रेन, टेलीफोन, साबुन, चाय, इनाम, कलम, वकील, रेडियो, ये जो शब्द है तो ये हमारे हिंदी के प्रॉपर शब्द नहीं है, ये विदेशी भाषा से आए हुए शब्द है, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं विदेशज शब्द। अभी आगे दूसरा पार्ट, जैसे रचना और बनावट के आधार पर, मतलब शब्द कैसे बने हैं उन पर तीन भाग पड़ते हैं, तीन प्रकार शब्द के पड़ते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।